हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास है IQ Z6 का और एक न्यू वेरिएंट, जो मैं हाल ही में एक का अनबॉक्सिंग किया था, IQ Z6 5G वाला वेरिएंट। अब इंडिया में नया IQ Z6 का वेरिएंट लॉन्च किया है। वो डिवाइस मैंने मंगाया था, अमेजोन का सेल चल रहा है, तभी मैं बाई किया था। तो देखेंगे वो डिवाइस कैसा है और उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए अनबॉक्सिंग से वीडियो स्टार्ट करें। चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो पहले बॉक्स देख लेते हैं, बॉक्स में क्या क्या लिखा है। यहाँ पर दिख रहा हो, सिंपली IQ का ब्रांडिंग शो हो रहा है, और यहाँ पर IQ का कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, और ये देख सकते हो ये 6GB और 128GB का रैम और रोम है ये डिवाइस। और यहाँ पर देख सकते हो मॉडल नेम IQ Z6। तो चलिए इसको बॉक्स से अनबॉक्स करते हैं। और रुकिए, सील काटना चाहिए। देख सकते हो ये अनबॉक्स हो चुकी है। तो चलिए फ़ोन को बाहर निकलता है। ये देख सकते हो, मुझे तो पहले ही क्या लग रहा है ये फ़ोन। तो चलिए इसको पैकेट से निकलते हैं। देख सकते हो इसका जो कलर है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हो ये चेंज हो रहा है लाइट के रिफ्लेक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर देख सकते हो कैमरा मॉडल जो काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 3 कैमरा है। ठीक है, तो चलिए फ़ोन को पहले बूट कर लेते हैं। देख सकते हो ये बूट हो रहा है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और बॉक्स कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ IQ का अच्छा है, जो फ़ोन में चिपक के नहीं आता है, बॉक्स में अलग दे देता है। तो और देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर केस है, सिंपली ये जो केस है ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का केस है। और यहाँ पर मैनुअल सा डॉक्यूमेंटेशन, और ये है असली चीज़। इस प्राइस में 44 वाट का चार्जर और टाइप सी के साथ आता है, फास्ट चार्जिंग के साथ। और यहाँ पर एक सिम कार्ड मॉड्यूल मिल जाता है। तो चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पर, बॉक्स को साइड में रखते हैं, और चलिए फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। कवर भी लगा देते हैं इसमें। देख सकते हो कवर लग गया, परफेक्ट फिट, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये फ़ोन। तो चलिए फ़ोन को सेटअप करके मैं आता हूँ। तो देख सकते हो ये जो फ़ोन है, इसको मैंने 14,499 रुपया में बाई किया था, जो कूपन दे रहा था IQ Z6 का, 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिल गया इंस्टेंट कूपन करके। और क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो और भी 1,000 रुपया कम मिल जाएगा। तो सोच सकते हो 13,000 रुपया में 44 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ ये फ़ोन मिल जाएगा, और ये 48MP का कैमरा भी मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 6GB और 128GB रैम और रोम, 128GB का रोम है। और 4GB जो वेरिएंट है वो आपको 13,000 रुपया में मिल जाता है। लॉन्चिंग प्राइस 13,000 रुपया है, और इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो है 14,000। तो देख सकते हो, सॉरी, 4GB का लॉन्चिंग प्राइस है 14,000 और इसका 16,000 प्राइस है। ठीक है, ये मैं डिस्काउंट लगा के 14,499 में मिल गया। तो चलिए फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं, उनका सिक्योरिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, उसके बाद फेस लॉक टेस्ट करेंगे। तो देख सकते हो इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट अभी हो रहा है। तो देखो, देख सकते हो ये काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट। और एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितना फास्ट है। और अब फेस लॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो
देख सकते हो ये कितना फास्ट है। और इसमें जो जो सिक्योरिटी के वगैरह चीज़ होना चाहिए इस फ़ोन में सब कुछ ही मिल जाता है। और इसमें साइड में वॉल्यूम का बटन मिल जाता है और यहाँ पर पावर बटन मिल जाता है और यहाँ पर तीन कैमरा का सेटअप मिल जाता है। और इसका जो बैक है, ये जो बैक है ये पूरा ही प्लास्टिक का है और साइड का जो भी बैक है ये साइड भी प्लास्टिक का ही बना है। और सामने गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है और एक पतला सा टेम्पर्ड आपका ऊपर में प्रोटेक्शन के लिए माड़ा मिलता है इस फ़ोन में, फ़ोन के साथ में। और इसका जो बैक है मुझे काफ़ी पसंद आया है। और यहाँ पर ऊपर में साइड में सिम मॉड्यूल है, तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ। तो देख सकते हो इसको मैं खोल लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर एक माइक्रो एसडी कार्ड और दो सिम का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अभी के टाइम में कोई भी मोबाइल ब्रांड नहीं देता है माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट। और देख सकते हो यहाँ पर हेडफोन जैक भी मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम जैसा बात मिल जाता है ये हेडफोन जैक और ये माइक्रो एसडी कार्ड। ये अभी के टाइम में नहीं मिलता है, हर एक ब्रांड नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये ब्रांड प्रोड्यूस कर रहा है तो काफ़ी अच्छा बात बन जा रहा है। तो आप इस फ़ोन को आप चेकआउट कर सकते हो। आपका प्राइस 14,000 से 15,000 है। तो ये जो वेरियंट है 6GB 128GB है, इस फ़ोन को मैं डिस्काउंट करके 1,000 रुपया का कूपन अमेजोन में मिल रहा था उसको करके मैं 14,499 रुपया में मिल गया। तो काफ़ी अच्छा बात हो रहा है। इस एक ही डिसअपॉइंटेड फीलिंग मिलेगा, ये 5G नहीं है, लेकिन इसका 5G वेरिएंट भी अवेलेबल है जो एक फुल HD डिस्प्ले के साथ, एमोलेड डिस्प्ले के साथ नहीं आता है। और 44 वाट का फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है उस फ़ोन में। ये कुछ उसमें डिसअपॉइंटिंग मिलता है और इसमें कुछ घटाया है। तो मुझे ये डिवाइस पसंद आया है, उससे भी ज़्यादा बेहतर है ये डिवाइस। तो अब मैं कैमरा टेस्ट करके देख बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो इसका वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और जो कलर दिखा रहा है वो काफ़ी पंची कलर शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक को ब्लैक दिखा रहा है और जो कलर को कलर दिखाना है वही दिखा रहा है, कोई भी बूस्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो कलर है आप सामने से देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसका क्वालिटी, आप इसका ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मेरा फोन माइक देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है ये 60Hz डिस्प्ले के साथ आता है। ये 90Hz हो सकता था, लेकिन इसका जो बजट है इसलिए इसका 60Hz देना पड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग में कुछ है तो दिखाता हूँ। ये अबाउट सेक्शन में आता हूँ तो ये फंटा चॉइस 12 के साथ आता है और यहाँ पर 6GB का रैम मिल जाता है जो कि एक्सपेंड आप कर सकते हो 2GB तक, इसको आप 8GB भी कर पाओगे। और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्सन ये 12 आता है, इनबिल्ट 12 मिल जाता है आपको एंड्रॉयड वर्सन, दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये एंड्रॉयड 12 इनबिल्ट है और यहाँ पर 128GB का रोम मिल जाता है और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है, लेकिन इसमें भी आप गेम वगैरह खेल सकते हो। और
यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका जो आईक्यू का जो गेम मोड है वो सबसे बेस्ट है, मुझे लगता है सब कंपनी से बेस्ट है आईक्यू का गेम मोड। इसमें जो कुछ फीचर्स आता है ये 4D गेमिंग भाई बहन वो बहुत ही अच्छा है। मैं गेम टेस्ट अब मैं आता हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आप वर्चुअल रैम भी एक्टिव कर पाओगे ठीक है, 2GB तक आप एक्सपेंड कर पाओगे। और यहाँ पर जो काफ़ी सारे ऐप ब्लोटोवार नहीं आता है, काफ़ी कम ही आता है यहाँ पर विजेट देख सकते हो, काफ़ी सारे विजेट भी मिल जाता है आपको यहाँ पर। मेरा तो भी फंटा जो है इसका एंड्रॉयड 12 का वीडियो अवेलेबल है मेरा चैनल में, वो देख सकते हो, ये पूरा ही उसका ही है। और कैमरा में आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ये 3 कैमरा सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर एक 50MP का कैमरा सेंसर मिलता है मेन, और ये 2-2MP का एक मैक्रो एक डेप्थ सेंसर का मिल जाता है ठीक है। और देख सकते हो ये जो है ये काफ़ी वीवो जैसा बेसिक सा ही है ये कैमरा मॉड्यूल, तो इस वीवो जैसा ही मिल जाता है। और यहाँ पर गूगल का डायलर मिल जाता है और गूगल का ही मैसेज डायलर भी मिल जाता है। तो चलिए BGMI तो गेम टेस्ट करते हैं इस फोन में। तो देख सकते हो BGMI खुल रहा है, तो बूट टेस्ट कर लिया जाए BGMI का, ये प्रोसेसर कितने टाइम में इसको लोड करता है। तो देख सकते हो ये लोड हो चुकी है, तो इसमें जो ग्राफिक सेटिंग है वो देख लेते हैं। ये देख सकते हो ये स्मूथ के साथ हाई अवेलेबल है, और यहाँ पर HD तक, HD नहीं बैलेंस्ड मीडियम चलता है और स्मूथ में हाई तक चलता है ठीक है, इस प्रोसेसर यही रन करता है। तो चलिए मैच देखते हैं कैसा मैच चलता है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. तो मैं एक मैच टेस्ट करता हूँ, मैं प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ जो कि अच्छे तरीके से खेलता हूँ, लेकिन सिंपली खेलता हूँ, तो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। कोई भी आया ही नहीं क्या, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई भी लैग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। देख सकते हो मेरा पिंग भी 48 चल रहा है, कोई भी लैग नहीं है ठीक है, ये काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा है देख सकते हो।
तो ये काफ़ी अच्छा है, हीट भी नहीं हो रहा है, इसमें हीट नहीं होगा, ये फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से थ्रॉटलिंग कर रहा है ये प्रोसेसर, और इसमें कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। ये IQ Z6 का सीरीज़ में IQ ने काफ़ी अच्छा किया है इसका कूलिंग सिस्टम। और देख लो इसका गेमिंग मोड, इसमें वॉइस चेंजर मिलता है, ई स्पोर्ट्स मोड मिलता है, 40 गेमिंग वाइब्रेशन मोड मिलता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मॉन्स्टर मोड में आप शिफ्ट करके भी खेल सकते हो, ठीक है। इसमें शिफ्ट करोगे तो बैटरी ड्रेन होगा, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है, देख सकते हो। तो ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस बजट में, ये जो गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो काफ़ी अच्छा है इस बजट में। ये रेडमी वगैरह जो कि जो कुछ भी ब्रांड का जो मोबाइल है उस ब्रांड ये परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। और इसका जो कैमरा भी जो है, कैमरा का जो क्वालिटी है वो भी कोई भी दे नहीं सकता है, ठीक है, इसके जैसा। ये काफ़ी अच्छा है, ये IQ जो ब्रांड है ये वीवो के साथ पार्टनरशिप करके काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहा है कैमरा में भी बेस्ट है, और गेम में तो IQ ने क्या ही बोलूं। तो देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। तो ये गेमिंग के लिए ये फ़ोन इस बजट में काफ़ी पसंद आया है मुझको। तो ये है IQ Z6, जिसका मैं डिटेल रिव्यू आपको दे दिया हूँ। तो ये जो फ़ोन है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है इस प्राइस ब्रैकेट में ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा है। और आपको 5G चाहिए तो इसका ही एक वेरिएंट मिलता है, IQ Z6 5G वेरिएंट, उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है, उसमें प्रोसेसर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, वो गेमिंग करने के लिए थोड़ा बेस्ट है, लेकिन इसमें जो कैमरा है और ये जो फ्रंट फेसिंग फिंगरप्रिंट है और जो कुछ भी 44 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, जो कि है इस डिवाइस में अवेलेबल है। जो गेमिंग नहीं करता है वो ये इसको चेकआउट कर सकते हो, और जो गेमिंग करते हो तो उस वेरिएंट को चेकआउट कर सकते हो। इसका जो 6GB 128GB का वेरिएंट है, इसको मैं अमेजोन का कूपन लगा के मैं इसको 14,499 में लिया हूँ, 14,499 में मैं इसको लिया हूँ। इसका जो ऑफिशियल प्राइस है वो है 15,000 तो काफ़ी अच्छा डील हो जाएगा आपको, ये कूपन लगा के आप डिस्काउंट कर लोगे तो। और क्रेडिट कार्ड है तो और भी 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बेस्ट है। और इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 13,000 का, 13,000 में इस जैसा फ़ोन कोई भी ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ये IQ ही प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। इसका जो कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा है, और इसका जो डिस्प्ले टच भी है काफ़ी फास्ट है, और सब कुछ ही इस फोन का बढ़िया है। सिर्फ 5G नहीं है, यही एक डिसअपॉइंटिंग फीलिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छा और कुछ फीचर्स मिल जाता है। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में इस फोन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको खरीद लेना, तो मेरा चैनल का कुछ हेल्प हो जाएगा।